कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से वो उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ, एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना, चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है दैट इज़ विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिनिटी है जो उनको सपोर्ट कर रही है बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं, अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी, बट एज ऑफ नाउ अभी चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इंखला किया है तो उसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसको फाइनेंशली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटीली भी आपको सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई वो इंडिया की काफ़ी सपोर्ट में है और वो चाहता है कि इंडिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुक कायम हो सके। अच्छा सर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हिंदुस्तान ने भी अभी एज अ जायज हुकूमत अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम देखें तो जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स हैं या इस्लामिक कंट्रीज कह लें, इंडिया उनके साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहा है। अभी एक खबर और भी हम तक पहुंची है कि चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान वहां तक पहुंच रहा है और वो ईरान और इंडिया के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है BRI के ऊपर, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, दैट वाज अ बेसिक थिंग जो आपके साउथर्न एशिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। चाबहार पोर्ट इज वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट में ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट हो। जैसा आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि अगर गवादर पोर्ट से चाइना की तरफ कुछ जाता है सामान या इंडिया की तरफ जाता है तो वो शायद कॉस्ट करता है ₹20। वेयर एज अगर वही सामान चाबहार की तरफ से जाएगा तो वो उसको 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा। लेकिन चूंकि उनकी एक अपनी पर्सनल अना का मसला है, इस वजह से वो चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जितने भी उनके साथी हैं उनको चाह रहे हैं कि वो उस रीजन वाले जितने भी प्लेयर्स हैं दे शुड कम इन्वेस्ट इन चाबहार एंड हैव देयर स्टेक्स ओवर। अच्छा सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई मौशियत बन रहा है, दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं, इसलिए तमाम दुनिया जो है, तमाम ममालिक जो है इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को क्यों समझ में नहीं आ रही, क्यों हम 1947 से इंडिया के साथ एक जंग मुसल्लत किए हुए हैं अपने सरों के ऊपर, हम एक ही बात कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 में 1965 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हम अपने बच्चों को भी यही पढ़ा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। आप हमारी किताबें उठा के देखें, आप हमारा निसाब उठा के देखें, हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान को भी ये चीज़ समझ जानी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि एक वक्त था कि इंडिया आइसोलेट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। देखिए, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान को ये एन वक्त है जब डिसाइड करना है कि आइदर दे हैव टू ज्वाइन अ ब्लॉक। अगर वो कोई ब्लॉक ज्वाइन करते हैं, मे बी रशियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक और मे बी एनी अदर ब्लॉक, चाहे वो इंडिया की सपोर्ट करते हैं, जब तक आपकी अपनी से नहीं होगी और आप सिर्फ फॉलो कर रहे होंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर हम इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम में एक मुश्किल डिसीजन लें कि वी हैव टू सेलेक्ट अ ब्लॉक, चाइना को सपोर्ट करें, यूएस को सपोर्ट करना है, रशिया को सपोर्ट करना है या अपने कदमों में खुद खड़ा होना है, ये वो टाइम है जब हमारी पाकिस्तानी आवाम डिसाइड करेगी कि आज हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है। जहाँ पे कभी सुई भी नहीं बनती थी वहाँ पे पूरे पूरे जहाज बन रहे हैं, अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये वक्त कब आएगा, इससे अच्छा वक्त हो नहीं सकता क्योंकि अभी हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल में हैं। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने अपने कदमों पर खड़ा होना है तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान को दुनिया की जरूरत पड़ेगी, ना कि पाकिस्तान किसी दुनिया के पीछे भाग रहा हो। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो आपको लगता है कि इंडिया और यूएस से अलाउ करेंगे इस चीज को, इसके लिए हमें एक ब्लॉक में होना बहुत जरूरी है? इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए, मैंने ब्लॉक्स की बात की, साथ मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कौम है। अगर कौम ने डिसाइड कर ली कि हम खुद मुख्तारी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे,
तो फिर इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो या रशिया हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बस शर्त यह है कि एक हमें एक कौम की तरह जुट के खड़े होना है, अपनी हकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अजीज वो वक्त दूर नहीं है जब हम G20 के हम G10 में भी शामिल हो जाएं। देयर शुड बी नो कमेंट बिकॉज़ वी डोंट हैव सच, हमारी इस तरह की कोई फर्दर पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान की कि हम लोग जो हैं इनको, क्योंकि हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं मुल्क से, अफगानिस्तान अफगानियों को। तो ये है कि अगर इनके साथ इंडिया का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को तोड़ने की फुल ताकत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। और हमारे साथ अफगानी जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे साथ बॉर्डर लगता है उनका, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो अफगानी हैं वो मुकीम हैं। जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान से अफगानियों को बाहर निकाला जाए, तब से अफगानी जो हैं दे आर बीन इंडल्जिंग विद द अदर कंट्रीज। तो दिस इज नो पॉसिबिलिटी। सर आपने कहा अफगानी हमारे भाई हैं, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, अपने जितने हमारे तजारती रास्ते जो अफगानिस्तान के रास्तों से लगते थे उन्होंने बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी आप ये रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा चाबहार पोर्ट की बात करें तो इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं और वहाँ पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। देखें जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तमीर की हैं, अफगानिस्तान में टू टेक कंट्रोल। ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन सर अब ये देखें ना, हम अपने किए हुओं का जिम्मेदार जो है वो इंडिया को नहीं ठहरा सकते। अगर आज अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा या पाकिस्तान को एक तरफ छोड़कर इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है ना कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी, हमने अफगानियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम किए हैं कि आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। आप क्रिकेट मैच उठा के देख लें, हमारी इतनी टसलबाजी क्रिकेट मैच में इंडिया के साथ नहीं लगती जितनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के आपस में लगती है। आई शुड से दैट कि देयर शुड बी नो कमेंट ऑन दिस ऑल सेक्टर। अगर वो जाते हैं तो जाएं, बिकॉज वी आर इंडल्ज इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारा IMF का कर्जा है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते। इस पर कमेंट करना ही बेवकूफ़ी होगी, ठीक है जी। और जहाँ IMF के कर्जे में भी इंडिया आड़े आ गया है ना, इंडिया ने IMF को कहा है कि पाकिस्तान को देखे कि पाकिस्तान जो है वो इस कर्जे को कहाँ इस्तेमाल करता है, मेक श्योर करे कि वो इसे डिफेंस पर इस्तेमाल ना करे। देखें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अमेरिका ने जो भी साजिश की, हमने पाकिस्तानियों ने उनकी हेल्प की एयरबेस देने के अंदर, हमने एयरबेस दी उनको और लाखों अफगानी मर गए। हमारा कसूर हुआ ना, आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। अगर बददिल हो गए हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान का शहरी होने के नाते कि आप यू शुड कंटिन्यू फॉर देम, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। सर आपका इस सारे मामले पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी खारजा पॉलिसी का है जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 कंट्री में मैंने विजिट किया, मैंने उनकी खारजा पॉलिसी को बड़े गौर से देखा है। अब कोई भी मुल्क है, हम लोग पाकिस्तान है, हम लोग बेस करते हैं ज़रात के ऊपर। हमारा पाकिस्तान जो है वो उसका जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़रात है, और 75% हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो ज़रात से आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे लोगों को सबसे पहले तो एजुकेशन की कमी है। जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपके मुल्क में पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, जिससे आपकी मौशियत मजबूत होगी। जब आपकी मौशियत मजबूत होगी, आपके पास पैसा होगा और आपकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें आप बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं।